Dear student, today we are going to discuss NC cycle in cell division. तो NC cycle जो है एक technical terminology है जो कि हम cell division में use करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि NC cycle होता क्या है, right? उसको समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि NC cycle क्या है. तो देखिए इसमें कुछ terminology हैं, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं. पहले तो N क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम नंबर. ठीक है, टोटल क्रोमोसोम नंबर जो है किसी भी हैप्लॉइड सेल में, इन हैप्लॉइड सेल. ठीक है, तो किसी भी हैप्लॉइड सेल में अगर हम क्रोमोसोम नंबर को देखें तो वो एन वैल्यू कहलाती है. सी वैल्यू, सी तो अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल. तो किसी भी हैप्लॉइड सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए को हम क्या कहेंगे? सी वैल्यू कहेंगे. ठीक है, अच्छा अमाउंट ऑफ डीएनए को मेजर किस में करते हैं? पिकोग्राम में, पीजी. ये हमेशा याद रखना कि जो सी वैल्यू है इसको सी को सी वैल्यू भी कहते हैं. सी वैल्यू बहुत सारी बुक्स में आपको किसी वैल्यू के नाम से लिखा हुआ मिलेगा. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, आगे बढ़ने से पहले हम इनको समझना चाहते हैं. एक टर्मिनोलॉजी और आपको मिलेगी, वो है सी वैल्यू पैराडॉक्स. क्या है? सी वैल्यू पैराडॉक्स. तो ये सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है इसको समझिए. सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, जैसे आगे की तरफ, जैसे जो लोअर एनिमल्स हैं, तो जो लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे लोअर एनिमल हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स की संख्या क्या है? कम है, लेस जीन्स, वहाँ पे जीन्स कम है. लेकिन जैसे जैसे हम लोअर एनिमल से किधर की तरफ बढ़ रहे हैं? हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जीन्स की संख्या बढ़ती है. और जब जीन्स की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर मोर जीन्स हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में और जो लोअर एनिमल्स हैं या लोअर वो हैं, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीन्स कम मिलेंगे. जबकि जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ जीन्स की संख्या बढ़ जाती है. इसका मतलब यहाँ पर जब जीन्स कम है तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या होगा? डीएनए अमाउंट भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जीन्स कम है तो डीएनए अमाउंट भी कम होगा. और यहाँ डीएनए अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा. ये बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है. ठीक है, यहाँ पर डीएनए अमाउंट ज़्यादा होगा. तो जब डीएनए अमाउंट कम है तो यहाँ डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, यहाँ डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी कम है और यहाँ पर डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ज़्यादा है, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये इक्वेशन तो समझ में आ रहा होगा. तो देखिए, लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ जाने पर डीएनए अमाउंट बढ़ रहा है, डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है. तो ये किस तरीके से बढ़ रहा है और क्या इनका आपस का रिलेशनशिप है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है सी वैल्यू पैराडॉक्स. मतलब जीनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी को, लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ जीनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से बढ़ रही है, उसको हम सी वैल्यू पैराडॉक्स से एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे सी वैल्यू पैराडॉक्स, सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू पैराडॉक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सी वैल्यू अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल, जिसको हम पिकोग्राम में मेजर करते हैं. सी वैल्यू पैराडॉक्स, जीनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ जाने पर बढ़ती है और उसको किस टर्मिनोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, वो है सी वैल्यू पैराडॉक्स. ठीक है, एन वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल. ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्चुअल पार्ट हमने देखा. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें और देखते हैं. देखिए क्या है ना, यहाँ से आगे फिर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसका समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को पकड़ो, कंसेप्ट को पकड़ो. ठीक है, देखिए आप सेल डिवीजन में कोई भी क्रोमोसोम जब पढ़ते हो तो वो क्रोमोसोम जो है आप इस तरीके से बनाते हो. ये इस तरीके से क्रोमोसोम, और जब ये पेयर में होते हैं किसी सेल में तो आप इस तरीके से सिखाते हो, राइट?
इसका मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस का मतलब कि हर क्रोमोसोम अपनी दो सेट में रहता है, राइट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, इस होमोलोगस क्रोमोसोम को अगर आप इंटरफेज में देखो, तो इंटरफेज में भी जीवन फेज में, जीवन फेज में आप क्या देखोगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे एक सेल में दो क्रोमोसोम, इसीलिए इसको टू एन कहते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में एक क्रोमोसोम होगा। एन किसको कहते हैं कि किसी हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम की संख्या को, जबकि यहाँ पे तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम कभी हैप्लॉइड सेल में नहीं होते, ये डिप्लॉइड सेल में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप टू एन लिखोगे, क्योंकि हर क्रोमोसोम अपना दो दो सेट में वहाँ पाया जा रहा है। हैप्लॉइड सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या कह रहे थे, सी वैल्यू, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, डबल है, इसीलिए यहाँ टू सी कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम को आप 2n लिखते हो और अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या लिखते हो, 2c लिखते हो, राइट। अगर मान लो ये क्रोमोसोम ऐसे नहीं बने हुए होते हैं, ये ऐसे के बजाय इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे इससे इस तरीके से, या तो होमोलोगस क्रोमोसोम ही, लेकिन हर क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड हो रखे हैं, ठीक है। तो ये भी है तो होमोलोगस ही, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, देखिए कोई भी कितने भी क्रोमेटिड हो किसी क्रोमोसोम में, अगर वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं तो उनको एक ही क्रोमोसोम काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर तो दो ही है, एक सेंट्रोमियर ये रहा, राइट, एक तो सेंट्रोमियर ये रहा और एक सेंट्रोमियर ये रहा, टोटल इस पेयर में कितने सेंट्रोमियर हैं, दो, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हुए, टू एन। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हुआ, तो एक क्रोमेटिड जब था, जैसे यहाँ पे एक सेट ऑफ क्रोमेटिड है तो यहाँ पे वन सी बोलते थे, यहाँ पे दो क्रोमेटिड हुए तो टू सी बोलेंगे, तो यहाँ कितने क्रोमेटिड हैं इसमें, चार, तो यहाँ पे इसको फोर सी बोलेंगे, टू एन फोर सी, राइट। अगर क्रोमोसोम इस तरीके से है तो उसको टू एन फोर सी बोलेंगे। अगर मान लो क्रोमोसोम सिंगल है, इस तरीके से है, सिर्फ एक ही क्रोमेटिड है और एक ही सेंट्रोमियर वहां पे दिख रहा है, तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, वहां सेंट्रोमियर जितने हैं उतने क्रोमोसोम होने चाहिए, तो यहाँ कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं बच्चों आपको, एक, इसको बोलेंगे वन एन, और जितने क्रोमेटिड उतने ही सी, अगर दो क्रोमेटिड होते तो टू सी, चार क्रोमेटेड हैं तो फोर सी, यहाँ एक ही क्रोमेटेड है तो इसको क्या कहेंगे, वन सी, राइट। तो कहने का मतलब है कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि टू एन, टू सी, फोर एन, फोर सी, वन एन, वन सी, ये कब टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो क्रोमोसोम अलग अलग शेप में कई बार पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन फेज में, तो उसके हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी आती है। अगर एक ही क्रोमेटेड है, एक ही सेंट्रोमियर, वन एन वन सी, अगर जो है दो क्रोमेटेड हैं और दो ही सेंट्रोमियर हैं, टू एन टू सी, अगर यहाँ दो सेंट्रोमियर हैं और चार क्रोमेटेड हैं तो टू एन फोर सी, राइट। तो कहने का मतलब है आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि नंबर ऑफ क्रोमेटेड, मतलब जितने भी पेयर में नंबर ऑफ क्रोमेटेड जो है इन टू एन इक्वल टू टोटल, सॉरी एन नहीं, सी, नंबर ऑफ क्रोमेटेड इनटू सी, टोटल डीएनए अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपको टोटल डीएनए अमाउंट काउंट करना है तो उसमें देखो कितने क्रोमेटेड हैं पेयर में और उसका सी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर दो हैं तो टू सी, चार हैं तो फोर सी, एक ही है तो वन सी। और अगर आपको क्रोमोसोम काउंट करना है कि एक पेयर में कितने क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करो, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इनटू एन, तो ये बताएगा आपको टोटल क्रोमोसोम नंबर, क्या बताएगा, टोटल क्रोमोसोम नंबर।
देखिए, ये एक कंसेप्चुअल पार्ट था जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेल में एनसी साइकिल क्या होता है, और यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आगे कोई भी जो सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन कहाँ से शुरू हुआ है? वो सेल डिवीजन शुरू होता है G1 फेज से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एनसी साइकिल इन माइटोसिस पहले डिस्कस कर रहा हूँ, एनसी साइकिल इन माइटोसिस की समसूत्री विभाजन में एनसी साइकिल कैसे फॉलो होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। माइटोसिस में देखिए, कोई भी डिवीजन जो है वो इंटरफेज से शुरू होगा। इंटरफेज में सबसे पहले फेज कौन सी आती है? G1। तो ये G1 फेज आ गई। G1 फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरीके से पाए जाते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। अब ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर कितने हैं? दो, 2n, और कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? दो, तो 2c, ठीक है। तो 2n 2c, G1 फेज में क्रोमोसोम n और c का कंडीशन क्या था? 2n 2c। G1 के बाद कौन सी फेज आएगी बच्चों? S फेज। S फेज में क्या होता है? DNA बनता है। तो जब DNA बनेगा तो होता क्या है कि जैसे ये क्रोमोसोम था पहले, ये दूसरा क्रोमोसोम था। मैं दो क्रोमोसोम लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपको दो ही दिखा रहा हूँ। अगर हमारे ह्यूमन सेल में देखें तो हमारे ह्यूमन सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 आपको लेके चलना है, लेकिन डायग्राम में आप एक ही पेयर लेके चलना, उतना आपको ज़रूरत नहीं है। तो एस फेज में जब डायग्राम डीएनए बनेगा, तो वो जो डीएनए बना वो इसी के साथ इस तरीके से लगा रहता है, यहाँ भी इस तरीके से इसके साथ लगा रहता है। तो ये यहाँ पे सेंट्रोमियर की संख्या क्या चेंज हुई है क्या? नो, इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या यहाँ 2n ही रहेगी, क्योंकि सेंट्रोमियर अभी भी कितने दिख रहे हैं पेयर में? दो, लेकिन क्रोमेटिड की संख्या बढ़ चुकी है, तो इसीलिए यहाँ 2c की जगह क्या आ जाएगा? 4c। इसका मतलब एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं हुई है, क्या चेंज हुआ है? अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज हुआ है। एस फेज के बाद कौन सी फेज आती है? G2 फेज। G2 फेज में क्या काम होता है? भाई यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स अपना रेप्लिकेशन करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गॉल्गी बॉडी है, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, राइट। यहाँ पे एक चेक पॉइंट भी है जहाँ पे डीएनए की क्वालिटी चेक होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो क्रोमोसोम की सिचुएशन होगी उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, वो वही होगी जो एस फेज में थी। इसका मतलब यहाँ भी क्रोमोसोम आपको वैसे ही बनाना है जैसा एस फेज में आपने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ जो सेंट्रोमियर दो हैं तो 2n, और यहाँ क्रोमेटिड कितने हैं? 4c। तो ये G2 फेज में कंडीशन देखी हमने। G2 फेज के बाद कौन सी फेज आ जाती है? प्रोफेज, ठीक है। तो जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन के बाद यहाँ भी सिचुएशन सेम रहेगी, यहाँ भी जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से बनेंगे, और यहाँ भी सिचुएशन इसी तरीके से 2n 4c रहेगी। क्योंकि देखिए, प्रोफेज में डीएनए से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आती है? मेटाफेज आती है, ठीक है। और मेटाफेज में क्या काम हो रहा है? क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस रहते हैं, यहाँ भी क्रोमोसोम का जो है जब कंडेंस होंगे तो लंबाई में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा, लेकिन वो रहेंगे ऐसे ही 2n 4c, यहाँ भी हम 2n 4c लिखेंगे, ठीक है। मेटाफेज के बाद कौन सी स्टेज आ गई? एनाफेज। कौन सी आ गई? एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में ये होगा कि जो क्रोमोसोम हैं, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो गए हैं और उनके साथ स्पिंडल फाइबर बाइंड हो गए हैं, एनाफेज में क्रोमोसोम बीच में से टूटे। अब देखो, ये क्रोमोसोम यहाँ से बीच में से टूटेंगे, तो फाइनली जब टूटेंगे तो होगा क्या?
यहाँ पे आधे क्रोमोसोम तो एनाफेज में टूटेंगे, तो क्रोमोसोम बीच में से सेंट्रोमियर से टूटे तो दो क्रोमोसोम तो ऊपर की तरफ गए, और दो क्रोमोसोम कहाँ गए, नीचे के पोल की तरफ गए। तो देखो अब सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं आपको, चार, तो फोर एंड राइट, और क्रोमेटिड कितना दिख रहा है, फोर सी। ठीक है, एनाफेज के बाद कहाँ पे आ गए, टीलोफेज। एनाफेज के बाद आ गए हम टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है कि ये जो दूसरे पोल पर क्रोमोसोम आए हैं इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनते ही जो है ये टीलोफेज में इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। अब ये एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अब इसको कहेंगे ऊपर की तरफ कितना है, कितना सेंटीमीटर दिख रहा है, दो, 2n। कितना क्रोमेटिड दिख रहा है, दो, 2c। नीचे की तरफ 2n, नीचे की यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2n और 2c। ठीक है, टीलोफेज में 2n 2c बोलेंगे, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस जैसे ही हुई, साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल हो गई, तो इस सेल में क्या बोलेंगे, 2n 2c, क्योंकि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आए इस सेल के हिस्से में, दो, और जो दूसरी सेल बनी डॉटर सेल वो भी क्या होगी, 2n 2c। ठीक है, और ये सेल फिर से इस डिवीजन में भाग लेगी, री एंटर, जब भी कभी री एंटर इनटू माइटोसिस। ठीक है, तो इस साइकिल को एक बार फिर से समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है। इस साइकिल को ये समझो, देखिए जीवन फेज में एक पेयर को मैं लेके चल रहा हूँ, तो एक पेयर में कितने सेंट्रोमियर दिखेंगे आपको, दो, कितना क्रोमेटिड है, दो, तो इसलिए मैंने यहाँ 2n 2c लिखा, क्योंकि अगर एक ही क्रोमेटिड और एक ही सेंट्रोमियर होता तो मैं 1n 1c लिखता हूँ, यहाँ मुझे हर चीज़ डबल दिख रही है इसलिए 2n 2c। एस फेज में उस क्रोमेटिड ने अपना दूसरा कॉपी बना लिया, लेकिन वो अभी उसी के साथ चिपका हुआ है, एक ही सेंट्रोमियर से चिपका हुआ है, इसलिए एक ही सेंट्रोमियर से चिपके होने के कारण यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ सेंट्रोमियर अभी भी कितने दिख रहे हैं आपको, दो, इसीलिए मैंने 2n बोला। लेकिन क्रोमेटिड कितने हो गए हैं, चार, तो यहाँ पे 4c, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है, क्योंकि एस फेज में डीएनए बनता है, इसलिए पहले 2c था, तो अब कितना हुआ, 4c हुआ। जी टू फेज में इनसे जुड़ा हुआ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो एस फेज में था वही रहेगा, 2n 4c। प्रोफेज में भी क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता, तो वही एस फेज वाली कंडीशन रहेगी, 2n 4c। मेटाफेज में भी क्रोमोसोम कंडेंस ही होते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं है, इसीलिए यहाँ भी सेम कंडीशन रही, 2n 4c। लेकिन जैसे ही एनाफेज में आए, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड टूटते हैं, तो सेंट्रोमियर से जैसे ही टूटेंगे तो एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से बीच में से टूटा, तो आधा हिस्सा ऊपर गया, आधा हिस्सा नीचे गया एक क्रोमोसोम का। तो कुल मिला के पहले सेंट्रोमियर दो ही दिख रहे थे, अब सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं आपको, चार, राइट, क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों आसपास नहीं बनी है, एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनती है, तो यहाँ सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं आपको, चार, इसलिए आप बोलोगे 4n, और कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं, चार, इसलिए 4c। ठीक है, और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ बन जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण यहाँ पे अब इनको 4n 4c नहीं कहेंगे, अब उसका आधा हो गया है, क्योंकि अब वो एक दूसरे से इंडिविजुअल हो गए, अलग हो गए, तो इसलिए 2n 2c, और नीचे वाले न्यूक्लियस को भी हम 2n 2c कहेंगे। फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस से दो डॉटर सेल बन जाती हैं, और जो डॉटर सेल हैं, डॉटर सेल का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, 2n 2c, और ये 2n 2c फिर से माइटोसिस में एंटर कर सकती हैं। तो माइटोसिस में आप ये समझिए, जब सेल डिवीजन करना शुरू कर रही थी तो सेल की कंडीशन क्या थी, 2n 2c थी, सेल डिवीजन के बाद क्या थी, 2n 2c। इसीलिए माइटोसिस में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि माइटोसिस में अमाउंट ऑफ डीएनए, जो कि सी वैल्यू जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसको कि एन रिप्रेजेंट करता है, इनमें कोई चेंज नहीं आता। इस स्टेटमेंट को समझिए कि माइटोसिस में अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब सी वैल्यू और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन वैल्यू चेंज नहीं होते।
अब इसको समझिए, जब माइटोसिस शुरू हुआ तो ये वैल्यू क्या थी, टू एंड टू सी थी। माइटोसिस खत्म होने पे क्या है, टू एंड टू सी है। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन जब आप डिफरेंट डिफरेंट फेज में देखोगे तो आपको वो वेरिएशन दिखेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट स्टेज में कोई चेंज नहीं आया है। इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि माइटोसिस में अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको खास तौर से ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन जो है वो ऐसे बनेगा कि वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको कि भाई एक सेल है और उसमें जी टू में क्रोमोसोम, जैसे जी टू में अमाउंट ऑफ डीएनए 40 पिकोग्राम है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज करो वन सेल, कोई सेल है और वो जी टू फेज में है। ठीक है, जी टू फेज में है और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए दे दिया है। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ सपोज करो 40 पिकोग्राम है, क्योंकि हम सी वैल्यू को पिकोग्राम में दिखाते हैं। तो व्हाट विल बी डीएनए अमाउंट सपोज करो जीवन फेज, मतलब इस सेल के जीवन फेज में डीएनए अमाउंट कितना होगा। तो देखिए जी टू फेज में 40 पिकोग्राम है, तो जी टू फेज में 40 है, तो जी टू फेज में सी की वैल्यू क्या होती है, 4 सी होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी है, 4 सी की है। तो यहां से आप सी की वैल्यू निकाल लो, 40/4 मतलब 10 पिकोग्राम। इसका मतलब हैप्लॉइड सेल में, इस सेल के हैप्लॉइड सेक्शन में अगर देखें तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहा होगा, 10 पिकोग्राम। अच्छा, अब ये देखो कि जीवन में सी की कंपोजिशन क्या, मैंने पाथवे में क्या लिखाया है। तो अगर जीवन फेज में आप अगर साइकिल देखोगे तो वहां देखोगे मैं 2N2C लिखता हूँ, राइट। आप उस प्रीवियस स्लाइड में जाओगे तो 2N2C मैंने बताया था कि जीवन में 2N2C होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है, 2C की वैल्यू पूछ रहा है और C की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है। तो चूंकि C की वैल्यू जो है वो 10 पिकोग्राम है, इसीलिए 2C की वैल्यू क्या होगी, 10 × 2 = 20 पिकोग्राम, एंड राइट आंसर इज 20 पिकोग्राम। तो वो क्या करेगा, किसी एक फेज का अमाउंट ऑफ डीएनए दे देगा और किसी और फेज का अमाउंट ऑफ डीएनए पूछ लेगा। उसके लिए आपको ये कंपोजिशन पता होना चाहिए कि किस फेज में एन और सी का कंपोजिशन क्या होता है और वो क्या किस तरीके से चेंज होता है, वो मैंने तो यहाँ कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था एनसी साइकिल माइटोसिस। अब हम थोड़ा सा माइटोसिस के अलावा अगर मैं मियोसिस में इस चीज को देखूं कि भाई मियोसिस में एनसी साइकिल किस तरीके से रेगुलेट होता है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मियोसिस जो है, मियोसिस जो फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं जो कि माइटोसिस में नहीं हो रही हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ एन सी साइकिल इन मियोसिस, कि भाई मियोसिस में कैसे होता है। अच्छा, मियोसिस में भी हम इसको दो तार में देखेंगे, क्योंकि मियोसिस दो तरीके का होता है, मियोसिस 1, ये भी एनसी साइकिल मियोसिस 1 में कैसे है और मियोसिस 2। ठीक है, और हम पहले क्या देखते हैं, मियोसिस 1 की जो एनसी साइकिल है वो मियोसिस 1 में किस तरीके से हो रही है। तो देखिए मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में वही पहले इंटरफेज आएगा। ठीक है, तो इंटरफेज जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एनसी साइकिल पहले मियोसिस 1 में देख रहा हूँ, मियोसिस 1 कि भाई मियोसिस 1 में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीवन फेज, कि भाई जीवन जो फेज है वहाँ पर क्या होगा। तो जीवन फेज को अगर हम देखें तो जीवन फेज जो है उसमें क्या होगा, वही यहाँ पे देखिए, अब मैं बार बार क्रोमोसोम नहीं बना रहा हूँ,
ठीक है, तो यहां पे 2n 2c, क्योंकि मैं एक पेयर को लेके चल रहा हूं, और एक पेयर में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से होंगे, एक पेयर में इस तरीके से, राइट। G1 के बाद कौन सी फेज आती है? एस फेज। तो एस फेज जो है वहां पे डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होगा। तो डीएनए का जब सिंथेसिस होगा तो 1 सेंटोमियर से उसका जो डीएनए नया बना है वो भी चिपका हुआ होगा, सेम दूसरे क्रोमोसोम के साथ भी वही कंडीशन होगी इस तरीके से। लेकिन यहाँ ये देखो कि यहाँ पे सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं आपको, 2 ही सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, तो चूंकि सेंट्रोमियर 2 ही है इसलिए क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, 2n। और यहाँ पे क्रोमेटिड कितने हैं आपको, 4, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, 4c। ठीक है, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा डबल होता है, तो एस फेज से पहले जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो एस फेज में आके डबल हो जाता है। क्रोमोसोम संख्या चेंज नहीं होती है, क्यों नहीं होती है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एस फेज के बाद जो अगली फेज आएगी वो कौन सी फेज आएगी, G2 फेज आएगी। जो G2 फेज है यहाँ पे भी हमने अमाउंट डीएनए की स्ट्रक्चर और इनमें तो कोई चेंज नहीं होता है, G2 फेज का जो काम था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ भी आपको सेंट्रोमियर कितने दिखेंगे, 2, तो 2n, और क्रोमेटिड कितने दिख रहे हैं, 4, तो 4c। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और याद रखना कि ये जो मैं 4 क्रोमेटिड दिखा रहा हूँ, ये 2 क्रोमेटिड दिखा रहा हूँ, जब आप इनको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो माइक्रोस्कोप में ये आपको एक ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ प्रोटीन, कंडेंसिंग प्रोटीन होती हैं, वो जुड़ी रहती हैं और वो इनको एक ही दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम कंसेप्चुअली उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये कंडेंसेशन प्रोटीन मेटाफेज में जाके टूट जाती है और मेटाफेज में ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वहां तक ये आपको एक ही दिखेगा। ठीक है, G2 फेज के बाद कौन सी फेज आती है, G2 फेज के बाद आ जाएगी आपकी प्रोफेज 1, क्योंकि हम मियोसिस 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेज 1, तो प्रोफेज जो 1 है वहां पे बस क्रॉसिंग ओवर होती है मेन, और क्रॉसिंग ओवर के अलावा क्रोमोसोम तो यहाँ पे टूटते नहीं है बस, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी यहाँ क्रोमोसोम वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे भी इस तरीके से ही क्रोमोसोम रहेगा, तो इसको हम कहेंगे 2n 4c। ठीक है, कि मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए 4 गुना हो चुका है पहले से इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, और क्रोमोसोम संख्या या चेंज नहीं हुई है। प्रोफेज 1 के बाद कौन सा आएगा, प्रोफेज 1 के बाद आता है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1, अच्छा मेटाफेज जो फेज है वहाँ पे भी क्रोमोसोम टूटते नहीं हैं, कंडेंस होते हैं और मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम हैं वो टूटे नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही दिखेंगे, सेम वही स्थिति रहेगी। तो यहाँ पे भी वही 2n और 4c। लेकिन एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम टूट चुके हैं, कहाँ से टूटते हैं, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम आधे होते हैं। तो यहाँ पे जब मैं एनाफेज 1 लिखूंगा तो एनाफेज 1 जो है यहाँ पे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम बीच में से टूटे हैं। देखिए यहाँ एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से नहीं टूटते हैं, ये हमेशा याद रखना, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में वो टूटता है, और उसके टूटने से क्या होगा कि एक होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो तो ऊपर चला जाएगा और एक होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से नहीं टूटते हैं, कहाँ से टूटते हैं, वो टूटते हैं पेयर से, जोड़े आधे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2n 4c था, यहाँ पे भी मेटाफेज 1 में 2n 4c था, तो यहाँ क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये देखिए सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी क्या थे, 2 थे, लेकिन ये सेंट्रोमियर जो हैं अब एक दूसरे से पेयर में नहीं है, अलग हो चुके हैं, इसीलिए इसको थ्योरेटिकली यूँ लिखते हैं n2c। इसको क्या लिखते हैं, n2c। एनाफेज को n2c इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर से टूट चुके हैं, तो अब एक पेयर में कितना देखिए हम ये जो सेंट्रोमियर क्रोमेटिड ये सब जो काउंट कर रहे थे, ये पेयर में काउंट कर रहे थे, एनाफेज 1 में क्या हुआ, वो पेयर टूट चुका है। तो जब पेयर टूट गया है
तो वो पेयर जो है, एक पेयर में यहाँ पे जब आप सेंटोमियर देखोगे तो एक पेयर में आपको कितना सेंटोमियर दिखाई दे रहा है, एक पेयर में आपको सेंटोमियर दिखाई दे रहा है एक ही, इसीलिए आप जो है यहाँ पे एन और एन टू सी लिखते हो, क्योंकि एक पेयर में क्रोमेटिड कितने दिख रहे हैं, दो, सेंटोमियर कितना दिख रहा है एक, इसीलिए एन टू सी लिखते हो। उसका थ्योरेटिकल रीजन समझ में आ गया। एनाफेज वन के बाद जो फेज आ रही है वो कौन सी आ रही है, टीलोफेज वन। अगली जो फेज है वो क्या है, टीलोफेज वन। अच्छा, जो टीलोफेज वन है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम बीच में से टूटे थे, राइट, जो ऊपर अलग अलग पोल की तरफ गए थे, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और फाइनली यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस के बाद दो अलग अलग सेल बन जाती है। अलग अलग सेल में कंपोजिशन क्या था, इसका था एन टू सी और इसका था एन टू सी। अब देखिए, अच्छा टीलोफेज में क्या लिखेंगे, हम वही लिखेंगे एन टू सी, क्यों, क्योंकि अब उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन चुकी है और एक पेयर में अब हमें एक सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है, दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी वही एन टू सी रहेगा। और ये है डॉटर सेल, ये जो दो सेल हैं ये क्या हैं, डॉटर सेल हैं, ये जो दो डॉटर सेल हैं, ये दो डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस वन में हमें मिली हैं, आफ्टर मियोसिस वन। तो देखिए, जब मियोसिस वन शुरू हुआ तो क्या था, टू एन टू सी था, और जब मियोसिस वन खत्म हुआ है, यहाँ मियोसिस वन के खत्म होने की बात कर रहा हूँ मैं, मियोसिस के खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, तब क्या है एन टू सी। तो क्या आधा हुआ है, क्रोमोसोम की संख्या आती हुई है, अमाउंट ऑफ डीएनए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए ये चीज कही जाती है कि मियोसिस जो है उसमें दो मियोसिस होते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू, जिसमें मियोसिस वन में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, अमाउंट ऑफ डीएनए पे वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया ना, कि भाई यहाँ पे जब जीवन फेज हमने शुरू की थी तो जीवन फेज में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो क्रोमोसोम की संख्या 2n थी, लेकिन आफ्टर मियोसिस वन ये क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, n हो जाती है, इसलिए 2n से जो है वो संख्या n हो गई है। इसका मतलब यहाँ क्रोमोसोम तो आधे हुए हैं लेकिन जीवन में 2c था और मियोसिस वन के बाद भी अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज नहीं आया है। तो मियोसिस वन में हमने देखा कि अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज, सॉरी क्रोमोसोम की संख्या चेंज हो रही है और किस तरीके से चेंज हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हमने देखा। अब हम देखते हैं मियोसिस टू। मियोसिस टू कुछ भी नहीं है, मियोसिस टू जस्ट सिमिलर टू मियोसिस माइटोसिस है, मतलब जो भी माइटोसिस हमने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम देखें कि माइटोसिस में हमने क्या आधा देखा था, माइटोसिस में हमने क्रो अमाउंट ऑफ डीएनए आधा देखा, सॉरी ना तो हमने क्रोमोसोम की संख्या आधी देखी थी ना हमने अमाउंट ऑफ डीएनए आधा देखा था, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी है कि माइटोसिस में मियोसिस टू जो है उसमें किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मियोसिस टू में क्या होता है कि जो सेल है, जो डॉटर सेल है वो एंटर करेगी, और जो डॉटर सेल है वो डॉटर सेल, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, जो डॉटर सेल है उसमें एन और सी का कंपोजिशन क्या है, एन और सी का कंपोजिशन है एन टू सी। अब आप बोलोगे सर एन और टू सी क्यों लिया आपने, तो देखिए मियोसिस वन के बाद हम मियोसिस टू को देख रहे हैं, अभी मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ मियोसिस टू कि एन और सी का जो वेरिएशन है वो मियोसिस टू में किस तरीके से है, ठीक है। तो मियोसिस टू जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है माइटोसिस के। तो मियोसिस वन के बाद जो डॉटर सेल मिली, तो जो डॉटर सेल थी उस डॉटर सेल का कंपोजिशन क्या था आफ्टर मियोसिस वन, तो आफ्टर मियोसिस वन उस डॉटर सेल का कंपोजिशन था एन टू सी, मतलब वहां पे क्रोमोसोम आधे हो चुके थे और अमाउंट ऑफ डीएनए अभी टू सी था। तो हम यहीं से शुरू करते हैं उसको, तो सबसे पहले जीवन फेज,
ठीक है। अब मैं बार बार क्रोमोसोम नहीं बनाऊंगा, G1 फेज में वही N, 2C, क्योंकि डॉटर सेल मियोसिस वन से आई है। G1 के बाद कौन सी आएगी? S फेज। S फेज में यहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA बनेगा, तो अमाउंट ऑफ DNA जो है जब बनेगा तो ये जो है N और जो 2C था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे एक हम गलती कर रहे हैं थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट करूँगा कि मियोसिस वन के बाद जो मियोसिस टू में जब सेल जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूँगा, थोड़ा सा यहाँ हमने मिस्टेक की है। होता क्या है कि मियोसिस वन के बाद G1 और S फेज ये सब फेजें नहीं आती हैं, वो सीधी जो है M फेज में ही एंटर करती है। ये थोड़ा सा यहाँ हम एक मिस्टेक कर रहे थे, इसको मैंने करेक्ट किया है। यहाँ तक हम सही हैं कि जो हमारी डॉटर सेल है वो N2C है। अब देखिए यहाँ पे G1S G2 ये सब फेज नहीं मिलती हैं, क्योंकि मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में इंटरफेज यूजुअली नहीं होता और ना एस फेज होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा हमने जो मिस्टेक की थी हमने उसको करेक्ट किया। डॉटर सेल जो है मियोसिस वन के बाद जो हमें मिली उसका कंपोजिशन क्या था? N2C था। तो एन जो 2C है वो सीधा किस में एंटर करेगी? प्रोफेज टू में करेगी, प्रोफेज टू में किया एंटर। और प्रोफेज टू में जब उसने एंटर किया तो उसमें वहां पे उसका वो क्या था प्रोपोर्शन? एन और 2C। और एन और 2C ये क्यों था? क्योंकि वहां पे जो एक पेयर था, अब मैं एक ही पेयर को ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पेयर बीच में से आधा हो चुका था मियोसिस वन में, तो यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम है, तो यहाँ सेंट्रोमियर कितना दिख रहा है? एक, इसलिए एन। और एक सेंट्रोमियर के साथ कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं आपको? दो, इसलिए 2C, ठीक है। अब प्रोफेज वन टू के बाद कौन सा आएगा? मेटाफेज टू, ठीक है। तो मेटाफेज जो टू है उसमें भी वही मेटाफेज प्लेट बनेगी माइटोसिस की तरह। जब हम मियोसिस और माइटोसिस को डिटेल डिस्कशन करेंगे ये और क्लियर हो जाएगा, अभी बस आप इसको इस तरीके से याद रखें। तो मेटाफेज में भी जो है क्रोमोसोम सिर्फ कंडेंस होते हैं, बाकी यहाँ पे टू क्रोमोसोम का आधा या इस तरीके से कुछ डिवीजन नहीं होता है, तो यहाँ भी N2C रहेगा और क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और वो रहेंगे ऐसे ही, एक ही सेंट्रोमियर दिखेगा, दो क्रोमेटिड दिखेंगे। मेटाफेज के बाद कौन सी फेज आती है? मेटाफेज के बाद आपको दिखेगी एनाफेज टू। तो जो एनाफेज टू है और वहाँ एनाफेज टू में जो है आपको जो क्रोमोसोम दिखेंगे वो क्रोमोसोम अब टूट चुके हैं, तो एनाफेज टू में जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से टूटा है, इसीलिए अब आपको एक सिंगल सिंगल क्रोमेटिड दिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अब हम एन और 2C नहीं कहेंगे, अब वो एक पेयर में नहीं है, एन और सी कहेंगे। क्या कहेंगे? एन और सी। इसको एन सी, यहाँ एक ही क्रोमेटिड और एक ही सेंट्रोमियर है, और इसको भी एक ही क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमियर होने के कारण एन और सी। और जो टीलोफेज है, टीलोफेज टू में क्या होगा? टीलोफेज टू में वही यहाँ इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बनने के बाद इस तरीके से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो एन और सी यहाँ वही सेम रहेगा, ठीक है। और टीलोफेज के बाद वही साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो है साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाता है, और फाइनली ये दो डॉटर सेल बनती हैं। इन दोनों डॉटर सेल के बनने से फाइनली जो इनका कंपोजिशन हुआ वो क्या हुआ? एन सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब सेल मियोसिस टू में एंटर हुई तो ये क्या थी? N2C थी, लेकिन जब मियोसिस कंप्लीट हुआ तो दोनों डॉटर सेल क्या हैं? एन सी हैं। इसका मतलब आधा क्या हुआ? पहले एन था अब भी एन है, इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पहले अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था और अब क्या हो चुका है? सी हो चुका है। इसका मतलब मियोसिस टू में क्या आधा हुआ है? अमाउंट ऑफ डीएनए आधा हुआ है, क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। और यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मियोसिस में ये चीज बड़ी क्लियरली बोली जाती है कि मियोसिस जो है वो दो तरीके का होगा, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस जो वन है वहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए आधा होगा, और सॉरी मियोसिस जो वन है वहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, इसका मतलब एन वैल्यू हाफ होगी। और जो मियोसिस टू है वहाँ पे सी वैल्यू हाफ होती है, वो किस तरीके से होती है वो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, यहाँ पे पता है क्या करेगा? जैसे मान लो उसने बोल दिया कि यहाँ पे बोल दिया कि मियोसिस वन के बाद एक सेल मिली
मान लो एक क्वेश्चन आ गया कंप्लीशन में कि मियोसिस वन के बाद एक सेल मिली और उस सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो सपोज करो 20 पिकोग्राम है। तो देखिए मियोसिस वन के बाद जो सेल मिलेगी उसका कंपोजिशन क्या होगा, एन और टू सी होगा। इसका मतलब जो डीएनए का अमाउंट बोल रहा है वो 20 पिकोग्राम, वो किसकी वैल्यू हो गई, टू सी की। तो टू सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 20 पिकोग्राम। और वो बोल रहा है कि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, तो एस फेज में इसका 2c नहीं होता, वहां पे क्या होता है, 4c। इसका मतलब जो 20 पिकोग्राम है इसका जस्ट डबल कर दो, क्योंकि 2c का डबल है 4c, वैसे 20 का डबल हो जाएगा 40 पिकोग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 पिकोग्राम। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको ये तो पता है मियोसिस वन के बाद जो सेल बनेगी वो 2c होगी, तो इसका मतलब उस टाइम जो अमाउंट ऑफ डीएनए दे रखा है वो 20 पिकोग्राम जो है वो 2c की वैल्यू है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल दो, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 10 पिकोग्राम। अब एस फेज में जो क्रोमोसोम है वो क्या दिखाएगी, एस फेज में सेल 4c दिखाएगी, तो c की जगह पर 10 का वैल्यू रख दो, 10 × 4 40 पिकोग्राम। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में क्रोमोसोम नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए किस तरीके से चेंज होते हैं और किस तरीके से वो एनसी साइकिल को एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। बाकी अगर कोई क्रोमोसोम का जो पैटर्न है, अगर यहाँ पे आपको क्रोमोसोम के सेपरेट होने का पैटर्न नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप इसको टेंशन ना लें। आपको माइटोसिस और मियोसिस जो है उसको एक बार फिर से रिवाइज करें और फिर इस लेक्चर को फिर से देखें, आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और सेल साइकिल के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और माइटोसिस और मियोसिस, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एनसी साइकिल सेल डिवीजन में जो एग्जीक्यूट हो रहा है माइटोसिस और मियोसिस में, वो आपका क्लियर हुआ होगा।